मैं IIT बॉम्बे के अपने कैंपस में हूँ और सैक में हूँ मैं, स्टूडेंट एक्टिविटी काउंसिल। अभी हम यहाँ पे आए हैं मिक्स्ड क्रिकेट देखने। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैच चल रहा है। विशाल से बात करते हैं। विशाल भाई, मजा आ रहा है। कैसा लग रहा है आपको? खतरनाक मजा आ रहा। वर्षा की बैटिंग कैसे लग रही है? ये देखिए, मैं आपको वर्षा की बैटिंग दिखाता हूँ, वो कैसी बैटिंग कर रही है। यहाँ पे मैं आपको वर्षा की बैटिंग दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये नो बॉल था और नो बॉल पे इसने बड़ा शॉट मारा। कैच जरूर हो गया है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये नो बॉल था, फ्री हिट है। आप देख सकते हो। और ये काफी अच्छा खेल रहे हैं। बैटिंग टीम ने काफी ज्यादा रन बना लिए हैं, तो मुझे लगता है कि बॉलिंग टीम के लिए काफी मुश्किल होने वाला है इस टारगेट को चेस कर पाना। ऊपर हो चुके हैं, 7 ओवर में 96 रन बना चुकी है बैटिंग टीम। अब देखते हैं, शायद ये लास्ट ओवर है जिसमें कि एक लड़की जो है वो बॉल डालेगी। ये बताएगा कितने ओवर का गेम है। 8 ओवर का भाई। कैसा लग रहा है आपको? एकदम वर्षा की बैटिंग कैसे लग रही है? ओपी छक्के मार रही है। वर्षा सिर्फ छक्के पे छक्के मार रही है और यहाँ पे दर्शकों में वर्षा के लिए काफी उत्साह है। अगर अगली बार ये छक्के मारेगी तो मैं आपको दिखाऊंगा कि दर्शक कितने उत्साहित है उसकी बैटिंग को लेकर। और यहाँ पे फाइनली वर्षा आउट हो चुकी है। आप देख सकते हो बॉलर कितनी ज्यादा खुश है वर्षा को आउट करने के बाद, क्योंकि वर्षा बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रही थी। यहाँ पे मायूसी छा गई है, आप देख सकते हो। अभी फर्स्ट इनिंग जो है वो खत्म हो चुकी है और जो पहली टीम थी उन्होंने बैटिंग करते हुए 8 ओवर में 104 रन का बहुत ही बड़ा जो स्कोर खड़ा किया है। तो अब देखना, ये बिल्कुल दिलचस्प है कि क्या सामने वाली टीम 105 रन बना के इस टूर्नामेंट को और इस मैच को जीत पाएगी या नहीं। विशाल भाई से प्रेडिक्शन लेते हैं। विशाल भाई, आप क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी? विशाल भाई यहाँ पे कह रहे हैं जिस टीम ने पहले बैटिंग की है वो टीम जीतेगी, और मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है क्योंकि इतना बड़ा टारगेट उन्होंने सेट किया है कि बहुत मुश्किल होगा सेकंड टीम के लिए इस टारगेट को चेस कर पाना। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सी टीम जीतेगी। फाइनली अभी सेकंड इनिंग स्टार्ट होने वाली है। पहली बॉल है, तो देखिए पहली बॉल पे इन्होंने सिंगल लेके स्टार्ट किया है, तो मैच जैसे जैसे आगे बढ़ेगा मैं आपको दिखाता रहूंगा। के ओवर की पहली ही गेंद पे यहाँ पे कैच छोड़ा और उसे छक्के में तब्दील किया फील्डर ने, जिसका पूरा फायदा उठाया है सामने वाली टीम के बैट्समैन अनुज ने। और एक बार फिर से अनुज काफी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं और लगातार चौके छक्के लगा रहे हैं। अगर वो इसी तरह बैटिंग करते रहे तो अपनी टीम को जीत की तरफ पढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो देखना दिलचस्प होगा। मैच का सबसे रोमांचक ओवर होने वाला है ये, पिछले टीम की जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए थे। अभी वो आई है बॉलिंग में और इस टीम के सबसे जबरदस्त बैट्समैन अनुज है बैटिंग पे, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अनुज कैसे फेस करेंगे वर्षा को, और अगर वो इस ओवर में काफी अच्छा खेलते हैं तो अपनी टीम को जीत तक भी लेके जा सकते हैं दोस्तों। और ये 6 मार दिया, क्राउड रिएक्शन देख सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट विकेट वर्षा ने ले लिया है। योगी ने बहुत ही जबरदस्त कैच लिया एक बार फिर से। उन्होंने जो पहला कैच लिया था वो इससे भी अच्छा था, लेकिन वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया इसलिए आपको नहीं दिखा पाऊंगा। चलिए मैच की ओर आगे बढ़ते हैं। प्लेयर ऑफ द मैच,
एक्चुअली जो टीम हमने प्रेडिक्शन किया था वही टीम जीती है मैच। और विशाल भाई वर्षा के बारे में कुछ कहना चाहेंगे जिसे कि प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला, बताइए विशाल भाई। टर्निंग पॉइंट था सिक्सेस पे सिक्सेस, मैन विकेट अनुज का, अनुज शर्मा, उसने जैसे सेकंड लास्ट ओवर में लिया विकेट तो जीत कंफर्म। तो वर्षा ने काफी अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस भी दी, साथ ही साथ उन्होंने अनुज का एक काफी इंपॉर्टेंट विकेट लिया जिसकी वजह से उन्होंने अपनी टीम को दिलाई जीत। और इसी के साथ अब हम इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करेंगे और मिलेंगे हम आपसे अगले व्लॉग में दोस्तों, तब तक बने रहिए हमारे साथ, फॉलो कर लें और सब्सक्राइब कर लें।